दोस्तों, दुनिया में बहुत तरह के नशे पाए जाते हैं। इतने घटिया नशे कि उनसे घर और परिवार और इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसा नशा बताऊंगा, यानी तीन प्रकार के ऐसे नशे हैं कि जिससे आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। सबसे पहला नशा, रब की इबादत का नशा। अगर आप हर वक्त हर घड़ी उस मालिक की इबादत में जिक्र में मशगूल रहोगे तो आपकी जिंदगी इतनी बेहतर हो जाएगी कि आपकी दुनिया भी बनेगी और आने वाली जो आखिरत की जिंदगी है वो भी बेहतर बनेगी। यानी ये भी एक नशा है, अगर इसको सुबह शाम अल्लाह का जिक्र किया जाए, उस रब की इबादत की जाए, तो ये भी एक बेहतर नशा है। आप जिस भी रब को मानते हो उसकी इबादत करें। और दूसरा नशा, दौलत कमाने का नशा। यह भी एक बेहतरीन नशा है, लेकिन अगर इसको जायज तरीके से कमाया जाए, तो अगर हमारे दिल में सच्ची लगन हो, मेहनत कोशिश करें, तो सब कुछ आसान हो जाता है। अगर हम मेहनत करेंगे तो एक न एक दिन हमें हमारी मेहनत का फल मिलेगा और हम जरूर कामयाब होंगे। जो इंसान दुनिया में कुछ करना चाहता है, कामयाबी हासिल करना चाहता है, तो उसको कामयाबी मिलेगी। अगर आप कामयाब हो जाते हैं और आपको दौलत मिलती है, तो उस दौलत का सही इस्तेमाल कीजिए, जायज तरीके से कमाइए। और जब आप अमीर हो जाते हैं, आपके पास पैसा, उस मालिक ने आपको पैसा दे दिया है, आपकी मेहनत रंग लाई है, तो उसका सही इस्तेमाल कीजिए। आपके पड़ोसियों में या आपका कोई गरीब रिश्तेदार हो, या रास्ते में कोई गरीब भिखारी या कोई भी मिल जाए, तो उस पर भी अपना पैसा खर्च कीजिए। उसको अगर उसको भूख लगी है तो भरपेट खाना दीजिए, या उसकी कोई भी जरूरत है उसको पूरा कीजिए। तभी आपके पैसे का जो फायदा है वो लोगों को होगा और आपको दुआएं मिलेंगी। गरीबों पर खर्च करना, अपने पड़ोसियों पर, या गरीब मोहताज पर, या मिस्कीन पर, या यतीम जिसके माँ बाप नहीं है, उस यतीम बच्चे पर खर्च करना, तो इससे भी आपकी दुनिया बेहतर बन जाती है और आपकी माल दौलत में बढ़ोतरी हो जाती है। और तीसरा नशा, अपनों से प्यार मोहब्बत का नशा। यानी कि अपनों से प्यार करें, अपनों के साथ मिलजुल कर रहें। लेकिन आज इस दौर में हर कोई अपने मुंह से आग फेंकता है, गर्म खाना खाता है तो उसके मुंह से आग ही निकलती है। उसमें मैं भी हूँ, मेरे मुंह से भी आग निकलती है। लेकिन ये जो तीसरा नशा है, इसको इस पे चलना, इसको करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए दुनिया में जितने भी नशे पाए जाते हैं उनसे बचिए। और ये जो मैंने बताए हैं, और भी कई प्रकार के नशे हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि दारू पियो या ये नशे, इस तरह के नशे। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक अपने आप को इस चीज़ पे लगाइए, अपना टाइम और अपना वक्त इस चीज़ पे लगाइए, तो आपको कामयाबी मिलेगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट्स के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में, ग्रुप में शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल।